लेके आए गई हैं। सबसे बड़ी बात काराकाट के बानी है पवन सिंह के बहन भाई। बहन बन के आए हैं भाई पवन भैया। नहीं बस भगवान लग जितना गाय की बहुत बड़े स्टार है। ऐसा कुछ नहीं है, बापू साहब है, बापू साहब आपकी तरह है। वो ये लगी कि जैसे गाना बहुत अच्छा है, एक पर एक गाने हैं, हम भी नाचे, लेकिन वो जो बबुआने पे के लिए नाच, तो उसमें क्या है ना, जैसे ये है मुस्लिम, हम है बनिया, ये तो बबुआने पे वाला में कहीं ना कहीं वो जातिवाद थोड़ा सा बरस रहा था, तो वो थोड़ा सा हमें मतलब समाज के कुछ ना कुछ ऐसा लगा। मैं तो उनकी फैन हूँ, मैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं फैन है, लेकिन फैन तो है आप। मैंने सवाल बीना मानवी जी महिला विकास मंच से महिमा मैम यहाँ मौजूद है, तमाम महिलाओं का झुंड यहाँ पर मौजूद है, यानी कि महिला विकास मंच का पूरा टीम मौजूद है पावर स्टार पवन सिंह का सूर्यवंशम मूवी देखने के लिए। हालांकि झमकौला से हुई कि ना हुई, तरह हर एक चीज पर चर्चा करेंगे मैडम से। मैडम आप फिल्म देखो, तमाम महिला आप लोग एकत्रित है, क्या देखिए एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह से जो हमारे अपने भाई बहन का सबके भाई है, वो बात है, जिंदगी में पहली बार भोजपुरी सिनेमा देखने में पर्सनली आई, ठीक है, ये देखने आई हूँ कि भोजपुरी के लिए आए दिन जो हम अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं कि ये गंदा हो रहा है, भोजपुरी को नीचा कर दिया, भोजपुरी बोलने लायक नहीं छोड़ा, तो क्या कुछ बदलाव सुपर स्टार पावर स्टार पवन सिंह जो है वो कुछ भोजपुरी को ऊपर उठाने के लिए कुछ बदलाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के पूरी महिला विकास मंच टीम और थैंक्स करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रशांत और रजनीश जी को, दीपक जी को थैंक्स करेंगे कि इतने सारे लोग देखें। मित्र जीवन में एक मित्र ऐसा कर्ण की तरह होना चाहिए जो छुप के भी रिश्ते निभाना जानता हो। अब 3 दिन से फोन आ गया, नहीं नहीं भोजपुरी हम नहीं जाते देखने, भोजपुरी भोजपुरी हमको नहीं देखना है, हमारे अरे भाई कोई देख लेगा, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में हम जैसे लोग अगर मूवी में घुस रहे हैं तो लोगों का जो देखने का नजरिया था वो एक अलग है, देखो ना किस टाइप की महिला है। आज देखिए सब अच्छे घर की महिला, कुछ लोग चली गई ऊपर हम बेसमेंट में, तो सभी लोग आज देखने आए, तो रियली ये मूवी बहुत अच्छी है। इस तरह की मूवी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आने लगेगी तो कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी भाषा का एक जो यूं जा रहा है वो यूं होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक ये मूवी लगी, सच में अच्छी थी। अच्छा मैम मूवी देखी, मूवी देखने के बाद इस फिल्म को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया और क्या अच्छा लगा उसमें, कुछ तो ऐसा चीज होगा कि अच्छा लगा? समझ आया कि एक तो हर चीज उसमें देखिए ये ना बिल्कुल वो है, सिनेमा संपूर्ण सिनेमा है, सबसे पहले दिखा कि एक लड़का जो है वो अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए तत्पर रहता है स्टोरी में, दूसरा दिखा कि राजनीति किस हद तक चरम सीमा पे गंदगी करती है, राजनीति क्या क्षेत्र में कैसी कैसी गंदगियां होती है वो देखने को मिला, तीसरा देखने को मिला कि जो सभ्यता संस्कार प्यार मोहब्बत एक अश्लीलता से परे जो दिल का रिश्ता है वो इन दोनों का प्रेम का जो सीन था वो दिल का रिश्ता टाइप का देखने को मिला, और उसके बाद एक चीज जो थोड़ा सा बिल्कुल तारीफ नहीं करना चाहिए, कभी कुछ कमी रहे तो बताना नहीं चाहिए, थोड़ी सी जो कमी हमें लगी बीइंग अ सोशल वर्कर वो ये लगी कि जैसे गाना बहुत अच्छा है, एक पर एक गाने हैं, हम भी नाचे, लेकिन वो जो बबुआने पे के लिए नाच, तो उसमें क्या है ना, जैसे ये है मुस्लिम, हम है बनिया, ये तो बबुआने पे वाला में कहीं ना कहीं वो जातिवाद थोड़ा सा बरस रहा था, तो वो थोड़ा सा हमें मतलब समाज के इस गाने का मैं भी थोड़ा सा मैं विरोध इसलिए किया था कि पवन सिंह कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी के साथ साथ अब समाज सेवी भी हो चुके हैं, वो गाने से थोड़ा उन पर प्रभाव पड़ा क्योंकि वो छोटे मोटे स्टार नहीं है। निष्पक्ष बात करते हैं, कोई चमचाई वाली बात नहीं, जो अच्छी थी वो अच्छी थी, जहाँ पे थोड़ा सा लगा वो भी बताया, तो उसी के समाज, लेकिन ओवरऑल अगर मार्किंग किया जाए मूवी का देन इट्स टू गुड, पूरे बिहार वासी अपने फैमिली के साथ देखे। हेमा मैम से पूछना चाहेंगे कि भाई आप भी पहुंची है पवन सिंह की फिल्म देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर, देखिए मूवी तो बहुत अच्छी है और ये बहुत साल के बाद एक मूवी ऐसा आया है कि जो भोजपुरी देखने लायक है, ऐसे भोजपुरी लोग देखते नहीं है, बाकी ये भोजपुरी देखने लायक है, परिवार समाज अपने बच्चे परिवार सबके साथ आप देख सकते हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं है और बहुत साफ सुथरा है, इसमें हर चीज दर्शाया गया है कि आप राजनीति कैसे कर सकते हैं, माँ का पिता का किस तरह से इज्जत करते हैं, आप अपने
खेती बाड़ी आपको जो दिखाया गया वो कैसे आप समेट के रखते हैं वो दिखाया गया, मतलब एक गांव का कल्चर जो है वो समेट के लगता है कि चला आया है मूवी के अंदर, बहुत अच्छा है मूवी। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे कौन सी देखे जाए? तुम लोग ये बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हम लोग भोजपुरी मूवी नहीं देते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग ने भोजपुरी, ऐसे भी हम लोग भोजपुरी को प्रमोट कर भी रहे हैं क्योंकि ऐसी नहीं है, एक जो कॉन्सेप्ट बनी है, एक जो धारणा बनी है कि भोजपुरी मतलब वल्गर, तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी मीन्स वल्गर ही होता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने ये मूवी देखी। अभी गाने भी जैसे कि मनीषा श्रीवास्तव जी भी गाते हैं तो उनके गाने वल्गर नहीं होते हैं भोजपुरी में। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं सवाल है कि आप महिला हैं, महिला पवन सिंह को इतना सपोर्ट क्यों करेगी कि हमेशा पवन सिंह पर एक सवाल लगता है पवन सिंह महिलाओं का सम्मान नहीं करते। नहीं, ये गलत है, ऐसी बात नहीं। उनको ये जरूरी नहीं है कि सब महिला को पसंद हो। अगर किसी वजह से किसी पुरुष को कोई महिला पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिला अच्छी नहीं है या वो पुरुष। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि महिलाओं का पसंद सूर्यवंशम मूवी महिला पवन सिंह को ही पसंद करती है? बिल्कुल, मैं तो करती हूँ, मुझे औरों का पता नहीं, मैं तो उनको पसंद। भाई देख लीजिए कि एक और मैंने कैसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा भोजपुरी खूब खुदे मतलब लग रहा था। अरे बाप, मैडम मैं भी फिलीम रहे बहन तुम देख के आए गई सबसे बड़ी बात काराघाट के भाई है पवन सिंह के बहन भाई बहन बन के आए हैं भाई पवन भैया नहीं बस ऐसा नहीं है। आप क्या करना चाहेंगे?